Internet and Communication. The Internet. Objectives. मॉड्यूल 6 के इस हिस्से में आप सीखेंगे कि ISP क्या है, वेब ब्राउजर कैसे ओपन और कैसे क्लोज किया जाता है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में कौन कौन से फीचर्स और उनके क्या क्या काम हैं, एक से ज़्यादा वेब पेजेस कैसे ओपन किए जाते हैं और ब्राउजर की सेटिंग्स और हेल्प फाइल कैसे यूज की जाती हैं। इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज। इस लेसन में हम सबसे पहले इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम WWW को समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेसन में आपको बताया था कि शुरू में इंटरनेट का इस्तेमाल एकेडमिक्स और रिसर्च कम्युनिटीज तक महदूद था, लेकिन 1991 में टिम बर्नर्स-ली और यूरोपियन लैब के मेंबर्स ने नया सिस्टम तजवीज किया जिसको WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिया गया। वेब के मायने जाल के हैं, यानी यह इंफॉर्मेशन का एक जाल है जो पूरी दुनिया पर फैला हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब दरअसल डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन मजमुआ है जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स, जिनको सर्वर्स कहते हैं, में स्टोर हैं। ये सर्वर्स इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड होते हैं। जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो हम वर्ल्ड वाइड वेब से घर बैठे हर किस्म की इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए वेब ब्राउजर को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम आगे के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेट और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब दोनों मुख्तलिफ टर्म्स हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का तरीका एक कार है, जबकि इंटरनेट और बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें इंस्टेंट मैसेजिंग और ईमेल वगैरह शामिल हैं। वेब पेज, वेबसाइट, वेब सर्वर। जब हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें वेब पेज, वेबसाइट और वेब सर्वर की टर्म्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा आइए इनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट को समझते हैं। वेबसाइट दरअसल मालूमात का जरिया है। ये किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात फराहम करता है। हर वेबसाइट को कोई इंडिविजुअल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट वगैरह मेंटेन करते हैं, यानी इसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऐड करते रहते हैं। मसलन वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। अगर इसमें कोई तब्दीली करनी हो तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे इसको मेंटेन करते हैं। जिस तरह एक किताब बहुत से सफात का मजमुआ होती है, बिल्कुल उसी तरह एक वेबसाइट में एक से ज्यादा वेब पेजेस होते हैं। वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें साउंड्स, इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियोस वगैरह शामिल होती हैं। जिस तरह किसी किताब को बुकशॉप से हासिल करते हैं, इसी तरह किसी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर में देखने के लिए एक दूसरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करना पड़ती है। इस कंप्यूटर को वेब सर्वर कहते हैं। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो इंटरनेट से हर वक्त कनेक्टेड होते हैं। हर वेबसाइट का अपना सर्वर होता है जो इस वेबसाइट को हैंडल करता है। वेब सर्वर में एक खास सॉफ्टवेयर होता है जिससे मुख्तलिफ वेबसाइट्स को वेब सर्वर में स्टोर किया जाता है। मसलन ये एक वेब पेज है। जब एक से ज्यादा वेब पेजेस को इकट्ठा किया गया तो इसे वेबसाइट का नाम दिया गया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। इस सेक्शन में हम आपको बहुत अहम टर्म ISP के बारे में बताते हैं। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मुखफ्फ है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ISP इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनी है।
आईएसपी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है जो सार्फीन से कुछ फीस लेकर इंटरनेट कनेक्शन की सहूलत फराहम करते हैं। ये हर वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। जो भी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहे वो अपने लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए कनेक्ट हो जाता है और इस तरह पूरा इंटरनेट उसकी एक्सेस में आ जाता है। जब आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आईएसपी आपको यूजर नेम, पासवर्ड, एक्सेस नंबर फराहम करती हैं, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर से इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। हमने इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाली बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में तो जान लिया, लेकिन इसको सीखने और काम शुरू करने से पहले हम इंटरनेट को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना सीखते हैं। इसके लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए कौन से हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले एक अच्छे स्पीड के कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। इस कंप्यूटर के अंदर मॉडेम भी इंस्टॉल होना चाहिए जिसकी मदद से आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। एक बात आपको बताते चलें कि आजकल इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन लाइन और मॉडेम के अलावा नित नए तरीके इस्तेमाल होते हैं। आइए उनके बारे में जान लें। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क एक डिजिटल फोन लाइन है जिसे ISP और इसके कंप्यूटर के दरमियान डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड मॉडेम से ज़्यादा है। आप घरों में जिस केबल को टेलीविज़न के साथ अटैच करते हैं उसी केबल से आप इंटरनेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें आपको टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट से भी इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए DSL कनेक्शन यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कनेक्शन भी इस्तेमाल हो रहा है। ये एक बहुत हाई स्पीड कनेक्शन है जिसमें आम टेलीफोन लाइन्स ही इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसके अलावा मोबाइल कंपनियां भी आपको 3G 4G इंटरनेट की सहूलत मुहैया करती हैं, जिसके जरिए आप मोबाइल फोन के साथ साथ अपने कंप्यूटर से भी तेज रफ्तार इंटरनेट से इस्तेफादा कर सकते हैं। वाईफाई एक और जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके तहत आप बगैर किसी केबल के इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। वाईफाई इस्तेमाल करने के लिए आपको वायरलेस इंटरनेट की रेंज में होना चाहिए। वेब ब्राउजर। इस सेक्शन में हम ये सीखेंगे कि वेब ब्राउजर क्या होता है और ब्राउज करने से क्या मुराद है। ब्राउज का मतलब है किसी चीज को देखना, जैसे किसी मैगजीन के सफाहत को पलटना और उसके अंदर देखना, दरअसल ब्राउज करना है। इसी तरह जब बाजार में मुख्तलिफ लोग शॉप्स के बाहर नजर आने वाली चीजों को देख रहे होते हैं तो वो दरअसल ब्राउज कर रहे होते हैं। इसके अलावा इस तरह के जितने काम हैं, जैसे लाइब्रेरी कबर्ड में पड़ी हुई किताबों को देखना, TV में मुख्तलिफ चैनल्स को देखना वगैरह, ये सब दरअसल ब्राउज करना है। बिल्कुल इसी तरह जब हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ वेबसाइट्स को देखते हैं तो इसको भी ब्राउज करना कहते हैं। जिस तरह किसी ऑडियो कैसेट को सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर की जरूरत होती है या किसी वीडियो फिल्म को देखने के लिए VCR और TV की जरूरत होती है, इसी तरह किसी वेबसाइट को कंप्यूटर पर देखने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। यानी वेब ब्राउजर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम वर्ल्ड वाइड वेब की इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं कि वेब ब्राउजर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी मदद से हम वेब पेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेब ब्राउजर बहुत से हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स वगैरह, लेकिन हम इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को डिस्कस करेंगे। इन सब ब्राउज़र्स का बुनियादी मकसद वेब पेजेस को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाना है, लेकिन हर ब्राउज़र मुख्तलिफ फीचर्स फ्राहम करता है। मसलन ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 का वेब ब्राउज़र है। इसमें इस वक्त आपको एक वेब पेज नज़र आ रहा है जिसमें टेक्स्ट
और इमेजेस वगैरह शामिल हैं। इस वेब पेज के टेक्स्ट डेटा और इमेजेस में लिंक्स बने हुए हैं, जिन पर क्लिक करने से इन लिंक्स से जुड़ा पेज ओपन हो जाएगा। वेब ब्राउजर हमें और भी बहुत से फीचर्स प्रोवाइड करता है। मसलन बहुत से ब्राउजर्स में बुकमार्क या फेवरेट्स का फीचर होता है, जिसकी मदद से हम अपने पसंदीदा वेब पेजेस को सेव भी कर सकते हैं। जब हम ब्राउजर में मुख्तलिफ वेब पेजेस को विजिट करते हैं, तो इन तमाम विजिट किए हुए पेजेस का रिकॉर्ड हिस्ट्री लिस्ट में स्टोर हो जाता है। इनके अलावा और बहुत से फीचर्स हम आगे आने वाले लेसन्स में तफसील से देखेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। टास्क बार से इंटरनेट एक्सप्लोरर के आइकॉन पर क्लिक करके आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, फिर अपना माउस पॉइंटर ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर ले जाएं और फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर के आइकॉन को क्लिक करें। अब हमारे सामने इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 का ब्राउजर ओपन है। इसके बेसिक कंपोनेंट्स को तफसील से डिस्कस करते हैं। सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप को टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के राइट साइड पर मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज के बटन होते हैं। इन पर क्लिक करके हम ब्राउजर की विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। टाइटल बार के नीचे बने बॉक्स को एड्रेस बार कहते हैं। इसमें आपको करंटली वेब पेज का यूआरएल नजर आ रहा है। अगर आप इसको तब्दील करके किसी और वेब पेज को ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एड्रेस बार में यूआरएल को टाइप भी कर सकते हैं। एड्रेस बार के साथ ये न्यू टैब है, जिसमें हम एक और वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। एड्रेस बार और न्यू टैब के सामने दाईं तरफ ये तीन आइकॉन्स नजर आ रहे हैं। पहला आइकॉन होम का है, दूसरा आइकॉन फेवरेट्स का है और तीसरा आइकॉन टूल्स का है। इनकी तफसील हम आगे चलकर देखेंगे। एड्रेस बार की बाद वाली स्ट्रिप को मेन्यू बार कहते हैं। इसमें वो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनकी मदद से हम वेब पेजेस को कॉपी, सेव और क्लोज वगैरह कर सकते हैं। ये फेवरेट्स बार है। इसकी मदद से आप टूल बार से डायरेक्ट वेब पेजेस को ओपन कर सकते हैं। इसके बारे में मजीद तफसील हम आगे के लेसन्स में सीखेंगे। ब्राउजर में ये पोर्शन ब्राउजर पैन कहलाता है। बाज ब्राउजर्स में इस पोर्शन को कंटेंट एरिया भी कहते हैं। इसमें आपको करंट वेब पेज के कंटेंट्स नजर आते हैं, जिनमें टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, कलर्स, लिंक्स वगैरह शामिल हैं। वेब एड्रेस। जैसे किसी जगह जाने के लिए एड्रेस की जरूरत होती है, उसी तरह किसी वेबसाइट को खोलने के लिए भी एक एड्रेस की जरूरत होती है, जिसे हम वेब एड्रेस या यूआरएल कहते हैं। यूआरएल का मतलब है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। किसी भी यूआरएल में हम ये बताते हैं कि वेबसाइट किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, यानी कि वेब एड्रेस से मुराद वो एड्रेस है जिसकी मदद से हम वेबसाइट पर जाते हैं या वेबसाइट खोलते हैं। इंटरनेट पर हर साइट का एड्रेस मुख्तलिफ होता है। आमतौर पर यूआरएल के दो हिस्से होते हैं। हम http://www.bu.edu.bk को डिस्कस करते हैं। पहला हिस्सा http://। दूसरा हिस्सा www.vu.edu.pk। पहला हिस्सा प्रोटोकॉल के बारे में बताता है कि ये वेबसाइट किस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए ओपन होगी। आइए अब हम इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल को समझते हैं। पहले हम प्रोटोकॉल को डिफाइन करते हैं। एक कंप्यूटर से जब कोई इंफॉर्मेशन
दूसरे कंप्यूटर पर एक्सचेंज होती है तो वो कुछ खास रूल्स के तहत होती है। इन सेट रूल्स को प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट में मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, जैसे FTP, TCP, IP, HTTP, HTTPS वगैरह। पहले हम HTTP को समझते हैं। HTTP दरअसल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मुखफ्फ है। ये वेब सर्वर से वेब पेजेस को ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल है। HTTP का बुनियादी मकसद इन वेब पेजेस को ब्राउजर में दिखाना है, जिनमें हाइपरलिंक बने होते हैं। जब हम किसी ब्राउजर में कोई URL टाइप करते हैं तो इसके शुरू में HTTP लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि वेब सर्वर से वेब पेजेस को ट्रांसफर करो जिनमें हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया लिंक्स वगैरह हों। HTTPS से मुराद हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, जिसका बुनियादी मकसद वेब सर्वर से वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के साथ साथ वेबसाइट की ऑथेंटिकेशन भी है, ताकि इंटरनेट के जरिए दो कंप्यूटर्स के दरमियान एक महफूज कम्युनिकेशन हो। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मुखफ्फ है। इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके हम फाइल्स को सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह HTTP की मदद से वेब सर्वर से वेब पेजेस को ट्रांसफर किया जाता है, इसी तरह FTP प्रोटोकॉल की मदद से FTP सर्वर से फाइल को ट्रांसफर किया जाता है। FTP सर्वर इंटरनेट पर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स को स्टोर किया जाता है। ये सर्वर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जैसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह मेंटेन करते हैं। FTP सर्वर्स में कुछ फाइल्स ऐसी भी होती हैं जिनको कॉपी करने के लिए पहले उनका खुफिया कोड बताना होता है। आप FTP सर्वर से मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, मसलन टेक्स्ट फाइल के जरिए आप अखबार, मैगजीन और डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉपी कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा IP एड्रेस या डोमेन नेम होता है। डोमेन क्या होती है? डोमेन दरअसल कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है जिसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और डोमेन नेम भी आपके नाम जैसा ही किसी साइट का नाम है। जैसे आप लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं, ऐसे ही हम साइट को उनके नाम से ओपन करते हैं। IP एड्रेस को अगर हम डेली लाइफ में देखें तो ये भी फ़ोन नंबर के जैसा ही एक नंबर है। यानी जैसे एक फ़ोन नंबर किसी दूसरे पर्सन का नहीं हो सकता, ऐसे ही इंटरनेट पर हर कंप्यूटर का IP एड्रेस फ़र्क होता है। IP एड्रेस कुछ इस तरह का होता है। 203.215.176.42। नंबर्स को याद करना मुश्किल होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम होस्ट मास्किंग कर लेते हैं। यहाँ हम होस्ट मास्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए मोबाइल फोन की एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम किसी के नंबर के साथ नेम सेट कर देते हैं, जैसे 0123123456 के साथ अली लिख लिया। अब आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं, आप मोबाइल की एड्रेस बुक से अली नेम निकालकर नंबर डायल कर सकते हैं। ऐसे ही बजाय इसके कि सारा IP एड्रेस याद किया जाए, हम इस IP एड्रेस की होस्ट मास्किंग कर लेते हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के IP एड्रेस की बजाय सिर्फ होस्ट नेम यानी www.vu.edu.pk याद कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए याद करने में आसान होता है। डोमेन नेम में www है, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब का मुखफ्फ है। इसके बाद इस वेबसाइट को बनाने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे .vu, यानी ये वेबसाइट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने डिजाइन की है।
इसके अलावा डोमेन नेम्स में बीबीसी, सीएनएन और याहू वगैरह होते हैं। डोमेन नेम में वो हिस्सा जिसमें तीन लेटर्स लिखे होते हैं वो डोमेन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं, जैसे .org एक ऑर्गेनाइजेशन को जाहिर करता है, .edu एक तालीमी इदारे को और .com एक कमर्शियल इदारे को जाहिर करता है। बास डोमेन नेम्स के आखिर में दो लेटर्स की एब्रीविएशन भी होती है। ये किसी मुल्क का कंट्री कोड होता है, जैसे US फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम और PK फॉर पाकिस्तान वगैरह। इस वक्त आपको स्क्रीन पर कुछ मशहूर वेबसाइट्स के URL नजर आ रहे हैं। इनमें प्रोटोकॉल और वेब पेज के डोमेन नेम लेबल्ड हैं। होम पेज। जब हम वेब ब्राउजर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें जो वेब पेज नजर आता है उसे होम पेज या स्टार्ट पेज कहते हैं। होम पेज दरअसल किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है। इसमें इस वेबसाइट को मजीद एक्सप्लोर करने के लिंक्स बने होते हैं। आइए इस सेक्शन में हम होम पेज को देखना या तब्दील करना सीखते हैं। इसके लिए पहले हम ब्राउजर को स्टार्ट करते हैं, जिसका तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं। आप देख रहे हैं कि हमें गूगल की वेबसाइट नजर आ रही है, यानी इस ब्राउजर का होम पेज गूगल को सेट किया गया है। अब हम इस पेज को तब्दील करके होम पेज www.vu.edu.pk बनाना चाहते हैं। आइए इसका तरीका सीखते हैं। सबसे पहले हम मेन्यू बार में से टूल्स मेन्यू को ओपन करते हैं। हमारे सामने ये लिस्ट ओपन हो गई है। हम इंटरनेट ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। हमें ये डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। यहाँ आपको जनरल टैब में होम पेज के नीचे तीन बटन्स नजर आ रहे हैं, यूज करंट, यूज डिफॉल्ट और यूज न्यू टैब। यूज करंट के बटन पर क्लिक करने से जो साइट खुली हो और आप देख रहे हो उस साइट का एड्रेस होम पेज के तौर पर सेट हो जाता है। यूज डिफॉल्ट के बटन से जो डिफॉल्ट पेज हो सेट हो जाता है, यानी वो पेज होम पेज के तौर पर सेट हो जाता है। और यूज न्यू टैब के बटन से होम पेज ब्लैंक पर सेट हो जाता है, यानी कि कोई साइट या वेब पेज एज होम पेज नहीं रहता। इसी डायलॉग बॉक्स के होम पेज सेक्शन के एड्रेस बॉक्स में हम VU का URL टाइप करते हैं, फिर ओके के बटन को क्लिक करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कोई तब्दीली नहीं हुई है। अब हम तब्दील किए हुए होम पेज को देखने के लिए पहले हम ब्राउजर को क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा ब्राउजर को ओपन करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ब्राउजर को दोबारा स्टार्ट करने से हमें गूगल की बजाय VU का वेब पेज नजर आ रहा है, यानी अब गूगल की बजाय vu.edu.pk होम पेज बन गया है। लीजिए, हमने होम पेज को तब्दील करने का तरीका सीख लिया है। आप इसी तरीके के मुताबिक जिस पेज को होम पेज बनाना चाहें बना सकते हैं। न्यू टैब। बाज़ुकात ऐसा होता है कि हम एक वेब पेज में काम कर रहे होते हैं और ये चाहते हैं कि इसे क्लोज किए बगैर किसी और वेब पेज को ओपन करें, यानी एक वक्त में एक से ज़्यादा पेजेस को ओपन करना चाहते हैं। जी जनाब, ब्राउज़र हमें ये फैसिलिटी भी फराहम करता है। इसके लिए न्यू टैब की ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसको सीखते हैं। इस वक्त आपको गूगल की वेबसाइट नजर आ रही है। इसके साथ साथ हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी ब्राउज करना चाहते हैं, यानी एक वक्त में एक से ज्यादा वेब पेजेस को ओपन करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम गूगल की टैब के साथ इस छोटे से खाली हिस्से को, जिसे न्यू टैब कहते हैं, क्लिक करते हैं।
आप देख रहे हैं कि ऐसा करने से एड्रेस बार खाली नजर आ रहा है, यानी अभी इसमें किसी वेबसाइट का URL नहीं लिखा गया। अब हम एड्रेस बार में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का URL टाइप करते हैं और एंटर की को दबाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने एक वक्त में एक से ज्यादा वेबसाइट्स को ओपन कर लिया है। स्टॉप रिफ्रेश बटन। जब हम ब्राउजर में मुख्तलिफ वेब पेजेस को देख रहे होते हैं तो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम वेब पेजेस को ओपन होने से रोकना चाहते हैं। आइए इसे सीखते हैं। बाज़ुकात किसी वेब पेज को ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम इस वेब पेज को ओपन होने से रोकना या स्टॉप करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमने गलती से किसी ऐसे लिंक पर क्लिक कर दिया हो जिस पर क्लिक नहीं करना था। ऐसी सिचुएशन में भी हम आगे प्रोसीड नहीं करना चाहते, बल्कि इसी पेज को रोकना या स्टॉप करना चाहते हैं। या फिर जब कोई वेब पेज ओपन हो रहा होता है और इसके कंटेंट्स नज़र आना शुरू होते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर bbc.com के पेज को ओपन कर रहा है, हम इसको ओपन करने से रोकना चाहते हैं। इसके लिए हम एड्रेस बार में बने क्रॉस के बटन, जिसको स्टॉप बटन कहते हैं, पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि ब्राउजर वेब पेज को ओपन करने से रुक गया है और वही क्रॉस का निशान अब एक सर्कुलर एरो बन गया है। अब हम इसको रिफ्रेश बटन कहते हैं। दरअसल ये एक ही बटन किसी भी वेबसाइट को स्टॉप करने और उसे रिफ्रेश करने का काम करता है। रिफ्रेश करने से ये मुराद है कि अगर आपने एक वेब पेज को काफी देर पहले ओपन किया है और आप चाहते हैं कि इस पेज में की गई तब्दीलियों को देखें, या अगर एक पेज सही तरह लोड नहीं हुआ और आप उसको रीलोड करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एड्रेस दोबारा टाइप न करना पड़े, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए हम एड्रेस बार में मौजूद इस सर्कुलर एरो, जिसको रिफ्रेश बटन कहते हैं, पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, ब्राउजर ने उस रुके हुए पेज को दोबारा लोड करना शुरू कर दिया है। जब हम किसी वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो जो वेबसाइट ओपन होती है, इसकी रिक्वेस्ट दोबारा सर्वर को भेजी जाती है और वो लेटेस्ट तब्दीलियों के साथ आपको नजर आती है। आइए इसको एक और मिसाल से सीखते हैं। इस वक्त आपको एक मेल पेज ओपन दिखाई दे रहा है। इसके इनबॉक्स में 4 मैसेजेस पड़े हुए हैं। हमने इसको काफी देर पहले ओपन किया था। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनके इनबॉक्स में कोई तब्दीली तो नहीं हुई। इसको देखने के लिए हम एड्रेस बार में बने रिफ्रेश के बटन को क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके इनबॉक्स में अब 4 की बजाय 8 मैसेजेस नजर आ रहे हैं। इस तरह से आप रिफ्रेश बटन को इस्तेमाल करके एक वेब पेज को लेटेस्ट तब्दीलियों के साथ देख सकते हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री। जब आप ब्राउजर को ओपन करते हैं और उसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो उन विजिटेड साइट्स का रिकॉर्ड ब्राउजर में सेव होता जाता है। ऐसा भी मुमकिन है कि आप उन विजिटेड साइट्स के URLs को दोबारा एक्सेस करें। हमारी विजिट की हुई साइट ब्राउजर की हिस्ट्री में सेव होती है। हम हिस्ट्री को ओपन करके विजिटेड साइट्स को दोबारा देख सकते हैं। आइए इसको सीखते हैं। इस वक्त हमारे सामने इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउजर ओपन है। हम एड्रेस बार के दाएं तरफ बने हुए फेवरेट्स के आइकॉन पर, जो कि एक स्टार की तरह है, क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं कि एक विंडो ओपन हो गई है। इसमें 3 टैब्स हैं। हम हिस्ट्री के टैब पर क्लिक करते हैं। इसमें हमारे पास ये ऑप्शन है, हम चंद गुज़श्ता हफ्तों या आज के दिन में विजिट की हुई वेबसाइट्स के नामों की लिस्ट देखें। मिसाल के तौर पर इस वक्त हम टुडे को क्लिक करते हैं।
आप देख रहे हैं कि हमारे सामने वेबसाइट्स की लिस्ट ओपन हो गई है। ये आज की विजिटेड साइट्स की लिस्ट है। हिस्ट्री लिस्ट में जब हम किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो इसमें हमने जो वेब पेजेस विजिट किए होते हैं इन सब के यूआरएल नजर आते हैं। हम इन वेब पेजेस पर क्लिक करके इनको दोबारा देख सकते हैं। हिस्ट्री लिस्ट को मजीद अरेंज्ड फॉर्म में देखने के लिए हम व्यू बाय डेट के साथ बने एरो बटन पर क्लिक करते हैं। इस लिस्ट में हम व्यू बाय डेट, व्यू बाय साइट, व्यू बाय मोस्ट विजिटेड और व्यू बाय ऑर्डर विजिटेड टुडे की तरतीब से हम वेबसाइट्स के यूआरएल्स को देख सकते हैं। हम हिस्ट्री लिस्ट में दिनों की तादाद को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आइए इसको सीखते हैं। इसका तरीका ये है कि पहले हम टूल्स मेन्यू को ओपन करते हैं, फिर इसमें इंटरनेट ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। हम इसके ब्राउजिंग हिस्ट्री सेक्शन में सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने एक नई विंडो आ गई है। हम इसके दूसरे टैब यानी हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं। यहां से डेज टू कीप पेजेस इन हिस्ट्री के सामने से वैल्यू 5 को सिलेक्ट करते हैं, फिर ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। डिलीटिंग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट ब्राउजिंग। जब हिस्ट्री लिस्ट में वेबसाइट्स के यूआरएल की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो हम इनमें से गैर जरूरी URLs को डिलीट भी कर सकते हैं। आइए इसका तरीका सीखते हैं। इस वक्त हमें ब्राउजर की राइट साइड में हिस्ट्री लिस्ट नजर आ रही है। सबसे पहले इसमें हम उस लिंक पर राइट क्लिक करते हैं जिसको हमने डिलीट करना है। जो सब मेन्यू नजर आ रहा है इसमें हम डिलीट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हमें ये डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। इसमें हमने एक दफा फिर कंफर्म करना है कि क्या वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं। हम यस पर क्लिक करते हैं। ये देखें, हमारा मतलूबा यूआरएल अब लिस्ट से डिलीट हो गया है। हम हिस्ट्री लिस्ट के वेब पेजेस को वन बाय वन डिलीट करने के अलावा ऐसा भी कर सकते हैं कि हिस्ट्री लिस्ट में से तमाम वेबसाइट्स के यूआरएल को खत्म कर दें। आइए इसे सीखते हैं। इसके लिए पहले हम टूल मेन्यू को ओपन करते हैं और इसमें इंटरनेट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम जनरल टैब पर क्लिक करते हैं, फिर इसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री सेक्शन में डिलीट पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक और विंडो आ गई है जिसमें से हमने सेलेक्ट करना है कि हिस्ट्री में से कौन कौन सा डेटा डिलीट करना है। फिलहाल हम कोई तब्दीली किए बगैर नीचे से डिलीट का बटन प्रेस करते हैं और ब्राउजर अपनी हिस्ट्री से रिकॉर्ड डिलीट करना शुरू कर देता है। आप देख रहे हैं कि अब हिस्ट्री की विंडो में हमें कोई यूआरएल नजर नहीं आ रहा, यानी हिस्ट्री लिस्ट डिलीट हो गई है। यूजिंग हेल्प फीचर। अगर आपको वेब ब्राउजर के बारे में कुछ जानना हो तो आप एप्लीकेशन की हेल्प को यूज कर सकते हैं। इसे ओपन करने के लिए या तो कीबोर्ड से F1 की प्रेस करें और या फिर मेन्यू बार से हेल्प पर क्लिक करें और फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हेल्प पर क्लिक करें। क्लिक करने से आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो गई है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ब्राउजर के बारे में आप जो इंफॉर्मेशन लेना चाहें ले सकते हैं। सर्च हेल्प के बॉक्स में आपको जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो लिखकर एंटर करें तो आपको इसके बारे में काफी मालूमात हासिल होंगी। व्यू सेटिंग्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर की स्क्रीन को मुख्तलिफ साइजेस में देखा जा सकता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की विंडो के साइज को आप छोटा, बड़ा, मिनिमाइज या फुल स्क्रीन कर सकते हैं। आप क्रॉस के साथ वाले बटन रीस्टोर को क्लिक करके
स्क्रीन को रीस्टोर डाउन कर सकते हैं और इसी बटन को दोबारा क्लिक करके आप इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये बटन जिस पर माइनस का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप अपना पेज मिनिमाइज कर सकते हैं और टास्क बार में मौजूद इस आइकॉन पर क्लिक करके दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं। अगर हम पेज का साइज अपनी मर्जी का करना चाहते हैं तो हम पहले इसको रीस्टोर डाउन करते हैं। अब पेज के निचले कॉर्नर पर माउस पॉइंटर ले जाते हैं और लेफ्ट माउस बटन को दबाकर रखते हुए माउस को ड्रैग करते हैं। अब अपनी मर्जी के साइज पर ले जाकर माउस को छोड़ देते हैं। यूं हम पेज का साइज अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। मॉडिफाइंग डिस्प्ले टूलबार। टूलबार पर बार्स को लाया या गायब किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए टूलबार पर यहां किसी जगह राइट क्लिक करें। अब जो लिस्ट ओपन हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ बार्स के सामने टिक का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब है ये बार्स पहले से ही मेन्यू बार में मौजूद हैं, जबकि जिनके सामने टिक का निशान नहीं, आप उनको टूल बार में ला सकते हैं। अब इस लिस्ट से जो बार आप टूल बार में रखना चाहते हैं इसे क्लिक कर दें और पहले से मौजूद किसी बार को गायब करना हो तो इसे एक बार और क्लिक कर दें। डिस्प्ले सेटिंग्स। अब हम किसी ब्राउजर के अंदर देखे जाने वाले वेब पेज की जूम सेटिंग और टेक्स्ट साइज को तब्दील करना सीखते हैं। मसलन हम google.com को ओपन करते हैं और इसके सर्च बॉक्स में पाकिस्तान लिखकर एंटर करते हैं। अब हम मेन्यू बार से व्यू पर क्लिक कर रहे हैं। जो लिस्ट ओपन हुई है उसमें माउस पॉइंटर को जूम के ऊपर लेकर जाते हैं तो देखें इसके आगे मजीद ऑप्शंस आ गई हैं। हम इसमें से पहली ऑप्शन जूम इन पर क्लिक करते हैं। ये देखें हमारा वेब पेज 25% मजीद बड़ा हो गया है। ये काम हम कीबोर्ड से कंट्रोल की और फिर जमा के साइन को दबाने से भी कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल की और मनफी के साइन को प्रेस करने से वेब पेज छोटा हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी तरह हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर मौजूद टेक्स्ट के साइज को भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके लिए हम मेन्यू बार से दोबारा व्यू पर क्लिक करते हैं। यहां से टेक्स्ट साइज पर माउस पॉइंटर को लेकर जाते हैं तो हमारे सामने एक नई लिस्ट आ गई है। यहां से हम स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्लोजिंग द ब्राउजर एप्लीकेशन। जब हम ब्राउजर में अपने काम को खत्म कर लेते हैं, यानी मुख्तलिफ वेब पेजेस को विजिट करना, सर्च करना, न्यूज़पेपर पढ़ना वगैरह, तो फिर हम ब्राउजर को क्लोज कर लेते हैं। ब्राउजर एप्लीकेशन को बंद करने के लिए आप माउस की मदद से ऊपर दाएं कोने में क्रॉस के बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड की मदद से Alt प्लस F4 की को एक साथ दबाएं। अब आप देख रहे हैं कि आपका ब्राउजर क्लोज हो गया है। समरी। इस लेसन में आपने सीखा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या हैं और इसका क्या काम है। वो प्रोग्राम जिसमें हम वेब डॉक्यूमेंट या वेबसाइट्स देखते हैं उसे इंटरनेट ब्राउजर कहते हैं। ब्राउजर को कैसे यूज किया जाता है, यूआरएल क्या होता है और इसके कितने हिस्से होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 के मुख्तलिफ हिस्से और इसके फीचर्स को डिस्कस किया और ब्राउजर की हिस्ट्री और व्यू सेटिंग्स के बारे में जाना।